हे गाइस, स्वागत है तुम सभी लोगों को एकदम ब्रांड न्यू वीडियो में। आज हम लोग वापस खेल रहे हैं एप्पल एमसी सर्वर के लाइफस्टाइल एसएमपी में। एंड आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले एकदम ओपी ओपी फार्म्स। यस, तो तुम लोगों ने बिल्कुल सही सुना, इस वाली वीडियो में हम लोग बनाने वाले एकदम मस्त वाला फार्म। एंड अभी फार्म का मतलब तुम लोग ये मत समझना कि मैं आयरन फार्म या फिर गोल्ड फार्म जैसा कोई फार्म बनाने वाला हूं। हम लोग एकदम सिंपल वाला फूड फार्म बनाने वाले हैं। सो या आज हम लोग एकदम मस्त वाले दो फार्म बनाने वाले हैं, एकदम खाने के लिए फार्म एंड एनिमल फार्म एक बनाने वाले हैं। एंड एनिमल फार्म को भी हम खाने के लिए यूज करने वाले हैं। तो अभी वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूँ। यूट्यूब वालों ने लाइक के बटन में एकदम मस्त वाला फाड़ वाला एनिमेशन डाल के रखा है, तुम लोग बस एक बार क्लिक करके देखो, तुम लोगों को एकदम मजा आ जाएगा। ओके, सो अभी मैं तुम लोगों को बता देता हूँ हम लोग आज के वीडियो में क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तुम लोग मेरा इन्वेंटरी देख सकते हो, यहाँ पर मेरे पास एंड शिप के ब्लॉक से इसको आई थिंक कुछ पुरपुर ब्लॉक बोलते हैं, पता नहीं कैसा नाम है। सो या अभी मैंने बहुत सारे एंड शिप के ब्लॉक कलेक्ट कर लिए हैं ताकि मैं अपने जो फार्म वाला रूम है जिसमें अभी हम फार्म बनाने वाले हैं उस कमरे में एकदम डेकोरेशन कर दें। मतलब इतना भी डेकोरेशन करने का कोई पॉइंट बनता नहीं है बिकॉज उसमें हम वैसे भी नॉर्मल फार्मिंग करने वाले हैं। सो उसमें बस मैं थोड़ा सा एंडशिप का ब्लॉक लगा के थोड़ा सा उसको सुंदर बनाने की कोशिश करूंगा। एंड अभी तुम लोग देख सकते हो मेरे पास मेरे एंडर जिसमें बहुत सारे एनिमल के स्पॉन एग्स हैं। एंड मैंने सोचा कि आज मैं चिकन या फिर काउ इन दोनों में से किसी का एक फार्मिंग बनाने वाला हूं एनिमल फार्मिंग में से। एंड भाई साहब ये पिक का आई है तो चिकन का भी नहीं है। ओके, दो मिनट में चिकन का ला लेता हूं। सो या आज हम लोग चिकन या फिर काउ इन दोनों में से किसी का एक बनाने वाले एनिमल फार्म। तो अभी मैं तुम लोगों को एकदम मस्त सबसे पहले लेके चलता हूं हमारे पुराने वाले घर में। अभी तुम लोगों को तो याद ही होगा हमारा पहला वाला जो बेस था उसमें भी हमने एक फार्म बनाया था, उसमें मतलब ऐसे एनिमल फार्म शिप्स का आई थिंक बनाया था। एंड तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर दो शिप्स ऐसे पड़े हैं लंगे। सो अभी मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ ताकि मैं इन दोनों शिप्स की हत्या कर सकूँ। यस, मुझे आज इस पूरे घर को सील करना है एंड इन दोनों शिप्स को मारना है। तो सबसे पहले इन दोनों को मार देते एकदम मस्त से। ओ, खाना भी मिल गया, बहुत बढ़िया। एंड अभी शिप्स को मारने के बाद मैंने जैसे कि तुम लोगों को बताया अभी हमें पूरा का पूरा ये पुराना वाला हमारा जो घर है इसको पूरा अभी हमें सील करना है। मतलब सील का मतलब है इसको मुझे पूरा का पूरा अभी बंद करना है ब्लॉक से ताकि इसके अंदर अभी और कोई भी मतलब काम कर ना सके। मतलब इसको एकदम से बंद करना है हमको। ओके, सर अभी मेरे पास यहाँ पर कुछ कॉबल स्टोन के ब्लॉक्स हैं, मैं इसको जल्दी से प्लेस कर देता हूँ एंड जल्दी से पूरे के पूरे घर को सील करके आपसे मिलता हूँ दो मिनट में। केस हो गाइस, अभी तुम लोग देख सकते हो मैंने अपने पुराने वाले घर को एकदम मस्त से एंड बढ़िया तरीके से एकदम सील कर दिया है। मतलब पूरा का पूरा घर मैंने कॉबल स्टोन से ढक दिया है ताकि यहाँ पर अभी और कोई भी काम कर ना सके जिसके हाथ भी ये घर लगा है। सो आई थिंक अब इस घर को बाय बाय टाटा बोलने का टाइम आ गया। एंड अभी मैं तुम लोगों को लेके चलता हूँ हमारे नए वाले फार्मिंग वाले रूम में। ओके, सो मैं जल्दी से स्लैश होम करके फूड मार देता हूँ एंड जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा तुम लोग देख सकते हो मैं मस्त तरीके से एकदम से हमारे नए वाले घर में आ चुका। मतलब घर तो नहीं, ये कमरा है फार्मिंग का। तो ये गाइस तुम लोग देख सकते हो मैंने अपना पूरा का पूरा जो फार्मिंग वाला रूम है उसको खोद डाला है। मतलब इतना भी नहीं खोदा है, बस छोटा सा रूम बना दिया। एंड तुम लोग देख सकते हो मैंने इसको एंड डायमेंशन में बनाया एंड मुझे इसको पूरा का पूरा अभी मतलब आज कन्वर्ट करना है फार्मिंग वाले रूम में। हाँ, तो अभी मुझे सबसे पहले इसका जो छत है इसको एकदम से तोड़ना एंड तोड़ के इसकी जगह लगाना है पुरपुर के ब्लॉक्स जैसे कि मैंने तुम लोगों को बता दिया। ओके सर, मैं सबसे पहले दो मिनट में ये पूरा का पूरा काम खत्म करके आपसे मिलता हूँ। ओके, सो अभी तुम लोग देख सकते हो मैंने इस कमरे के पूरे छत को चेंज कर दिया है पुरपुर के ब्लॉक्स एंड एकदम बढ़िया दिख रहा है। हाँ, तो अभी ये करने के बाद हमारा काम है कि हमें इसका फ्लोरिंग एकदम बढ़िया तरीके से चेंज करना है। एंड देखो दीवारों का चेंज करने का तो कोई पॉइंट नहीं है बिकॉज ये जैसे कि फार्मिंग का कमरा होने वाला है तो दीवारों को चेंज करने का मतलब कोई पॉइंट ही नहीं बनता। एंड जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया इस कमरे को मैं फार्म के लिए यूज़ करने वाला हूँ, सो ऑब्वियसली मैं इसके फ्लोरिंग में डर्ट लगाने वाला हूँ। सो अभी मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूँ हमारे एंडर चेस्ट में कि मेरे पास एक शवल है या नहीं। ओके, मेरे पास शवल नहीं है एंडर चेस्ट में। सो मैं काम करता हूँ एकदम बढ़िया तरीके से हमारे बेस में जाते हैं, नए वाले बेस में जो एकदम राफ्टिक दिख रहा है, मतलब एकदम ओपी दिख रहा है मैं बेस। एंड यहाँ पर आई थिंक मेरे चेस्ट में शवल रखी थी मैंने, एक मिनट। ओके, मेरी शवल मुझे मिल गई है। सो मुझे एकदम मस्त से डर्ट लाने। सो अभी एकदम बढ़िया तरीके से आरटीपी हो गए, हम लोग ओवर वर्ल्ड में आ गए हैं। तो यहाँ से अभी निकालने हमें बहुत सारे डर्ट। सो मैं डर्ट निकाल के आपसे मिलता हूँ एकदम दो मिनट में बढ़िया तरीके से, ठीक है। ओके, सो अभी तुम लोग देख सकते हो मेरे पास अभी टोटल 3 स्टैक ऑफ डर्ट है। मतलब भाई साहब ये शवल एकदम बढ़िया चीज़ है भाई, इतनी तेज से खोदता है, मतलब भाई क्या ही स्पीड है, सोनिक से भी स्पीड है ये। मतलब सही में 3 स्टैक ऐसे 3 सेकंड में खोद लिए। ओके, तो खैर अभी हमारे पास डर्ट आ चुकी है तो अभी हमें कुछ नहीं करना है, एकदम बढ़िया तरीके से हमें वापस हमारे वो फार्म वाले कमरे में जाना है एंड एकदम बढ़िया तरीके से अभी हमें डर्ट प्लेस करना है हमें। एंड अभी मैं सही बोलूँ तो मुझे चीज़ों को प्लेस करने में जितनी कठिनाई नहीं होती उसको तोड़ने में उतनी ज़्यादा होती है। ओके, सो अभी जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मैंने इधर नीचे एकदम बढ़िया तरीके से डर्ट लगा दिया एंड तुम लोग देख सकते हो मैंने इस डर्ट को एकदम बराबर इस समय बाड़ भी दिया है ताकि मैं एक साइड में एनिमल फार्म बना सकूँ एंड एक साइड में क्या बोलते हैं क्रॉप का फार्मिंग कर सकूँ। एंड तुम लोग देख सकते हो जिस साइड मुझे एनिमल फार्मिंग करनी है उधर मैंने बैम्बू लगा दिया ताकि मुझे पता चले वैसे किधर भी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता।
पड़ता है। एंड हाँ, मैंने यहाँ पर कुछ लैंटर्न भी लगा दी है ताकि थोड़ी सी रोशनी रहे। एंड अभी मुझे उधर की साइड एकदम बढ़िया तरीके से फार्मिंग करनी है, सो एकदम से मस्त से फार्म करके मिलता हूँ आपसे 2 मिनट में। मतलब उसको करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगने वाला है बिकॉज मेरे पास सीड्स भी नहीं है, सो आई थिंक उधर से सीड ढूंढ के लाने पड़ेंगे। हाँ तो अभी तुम लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर थोड़े से भी ज़्यादा कम, मतलब कम से भी कम सीड लगाए, मतलब लिटरली बहुत कम सीड्स लगाए मैंने यहाँ पर फार्मिंग के लिए। मतलब लिटरली मुझे सीड ही नहीं मिले फार्म करने के लिए। ओके सो अभी के लिए तो बस मैंने इतना लगाया, ये जब तक उगता है मुझे तब तक इंतजार करना पड़ेगा। एंड उगने के बाद आई थिंक मुझे सीड्स के डबल मिलेंगे, तभी जाके मैं थोड़े से ज्यादा सीड्स लगा पाऊंगा। एंड आई थिंक अभी दैट्स इट फॉर द वीडियो। मतलब भाई साहब आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा छोटा था, छोटा नहीं थोड़ा सा मतलब मीडियम साइज का था, इतना भी लंबा नहीं था आज का वीडियो, बिकॉज मैंने सारे के सारे आधे काम मतलब ऑफलाइन में बैठ के कर दिए थे। लिटरली मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मन ही नहीं था, मतलब मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं फार्मिंग करूँ बनाते वक्त वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, बट मैंने सोचा क्यों ना यार तुम लोगों के साथ मिलकर ये काम किया जाए ताकि थोड़ा सा और अच्छा बन जाए। एंड मैंने ऑफलाइन में बैठ के सारा का सारा आधा काम कर दिया था। एंड सही बोलो तो अभी मैं थक चुका हूँ, मतलब तुम लोगों को लग नहीं रहा होगा कि मैं थक गया हूँ, बट मैंने लिटरली ऑफलाइन में बैठ के ज़्यादा ही काम किया है। मतलब ब्लॉक्स कलेक्ट करना एंड रूम को खोद खोद के बड़ा करना, वो सब काम मैंने लिटरली आधा से ज़्यादा काम मैंने ऑफलाइन में बैठ के कर दिया। सो आई थिंक इसीलिए आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा हो गया, बट कोई बात नहीं, मुझे तुम लोगों के साथ ये कमरा बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। एंड अभी अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेक सर लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड अगर अभी तुम लोगों को मेरे साथ खेलना है तो प्लीज़ मेक सर ज्वाइन डिस्कॉर्ड, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से एकदम बढ़िया तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।